नमस्कार, आइए इस हाथ पर प्रकाश डाल लेते हैं। उससे पहले देंगे हम आपको एक जरूरी सूचना। जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री। चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर सकते हैं। शुरुआत कर लेते हैं आपकी कनिष्ठा उंगली से, हाथ के बारे में। कनिष्ठा उंगली जो कि सूर्य के प्रथम पर्व तक नहीं पहुंची है, और साथ ही साथ बुध की इस उंगली पर इस प्रकार के लगने वाले ये कट उंगली, छोटी होना और सूर्य के प्रथम पर्व तक पहुंच ना पाना और कट लगना, ये स्थिति, क्योंकि ये बुध की उंगली है तो बुध का मतलब होता है बुद्धिमता। ऐसा व्यक्ति जीवन में ऐसे स्टेप उठा जाता है जिसके कारण उसको जीवन में आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। आप जीवन में जब भी कोई बड़ा निर्णय लें उसके लिए अन्य व्यक्ति विशेष की सलाह अवश्य लें, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। नहीं तो आपको आर्थिक नुकसान की संभावना बनेगी। जिन लोगों की इस प्रकार की उंगलियां मैंने देखी हैं उन लोगों के जीवन में निर्णयों के कारण बहुत हानि उठानी पड़ी है। ये देखिए आपकी सूर्य की उंगली, और सूर्य की उंगली पर भी इस प्रकार का एक यहाँ कट लगा हुआ, उसका हल्का सा झुकाव शनि पर्वत की तरफ है, जो कि दर्शाता है कि व्यक्ति का रुझान घर वालों के प्रति रहेगा, घर वालों के प्रति उसकी आस्था रहेगी। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कार्य क्षेत्र को करके मान सम्मान की प्राप्ति कर लेते हैं। बात करते हैं शनि क्षेत्र की। शनि की उंगली यानी कर्म की उंगली कहलाती है, और इस पर भी लगा हुआ है एक बड़ा कट, इच्छा शक्ति का ये पर्व। और इस पर जब ये कट लग जाता है तो व्यक्ति की इच्छाएं अपने कर्म को लेकर बढ़ जाती हैं। ऐसा व्यक्ति चाहता है कि मैं कर्म करते हुए बहुत सारी इच्छाएं उसके अंदर जागृत होती रहती हैं, और अपनी इच्छाओं की पूर्ति में वो सदैव तत्पर रहता है। बृहस्पति की उंगली का झुकाव हल्का सा शनि पर्व की तरफ है, और बृहस्पति के क्षेत्र पर भी इस प्रकार का एक कट है। ये हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के लिए ठीक नहीं माना जाता। साथ ही साथ संतान हानि के कॉम्बिनेशन भी इस प्रकार के कट दर्शाते हैं। शनि की उंगली की तरफ बृहस्पति का झुकाव व्यक्ति का पैसे की तरफ आकर्षण देता है, लेकिन बीच में बने हुए इस प्रकार के छोटे छोटे से गैप, व्यक्ति के जीवन में धन आता रहेगा और धन जाता रहेगा। वो स्थिति है, वही स्थिति आपकी मुझको कनिष्ठा उंगली ने भी यहाँ दर्शाई है। ये कनिष्ठा उंगली बुद्धि के ऊपर ग्रहण लगाती है, यानी अकस्मात गलत डिसीजन, क्रोध, झुंझलाहट आदि आना। बुध पर्वत, बुध की उंगली भी छोटी, बुध का पर्वत भी छोट फूला हुआ है। फिर से यही इंडिकेशन है, जीवन में पैसा तो बहुत आएगा आपके पास, लेकिन बात यह है कि आप उसको स्टोर करके कितना रख पाओगे, क्योंकि बुध पर्वत भी फूला हुआ है, बुध की उंगली भी ज्यादा बेहतर नहीं है। पता लगा एक ही डिसीजन ले लिया गलत, उसी में व्यक्ति का लाखों रुपया खराब हो गया। एक रेखा ये मंगल क्षेत्र की तरफ से निकल के सूर्य क्षेत्र की तरफ इन्वॉल्व हो गई है। सूर्य क्षेत्र से निकल रही है ये अनेक रेखाएं, नीचे एक ट्रायंगल बना हुआ है और यहाँ से एक रेखा फिर से सूर्य, यानी कोई बहुत बड़ी प्रसिद्धि के योग इस हाथ के अंदर नहीं दिखाई देते हैं। जीवन में व्यक्ति कर्म करता रहेगा, थोड़े थोड़े से स्तर पर लोग बाग उसको जानते रहेंगे, जहाँ काम करता रहेगा वहाँ पर किसी न किसी प्रकार से व्यक्ति को सम्मान मिलता रहेगा। क्योंकि जब इस प्रकार की रेखाएं, क्रॉस रेखाएं अधिकतर जब भी हमने देखी हैं तो वो क्रॉस रेखाएं ज़्यादा अच्छी मानी नहीं जाती हैं। वैसे सूर्य क्षेत्र पर जो जितने भी रेखाएं उठ रही हैं ये अपने आप में इस बात को लेकर सक्षम है कि हाँ, जिस भी कार्य क्षेत्र में व्यक्ति काम करेगा उसका वहाँ पर मान सम्मान होगा। कभी कभी ऐसे लोग राज्य सरकार से संबंधित उपक्रम के लिए भी काम करते हैं, यानी सरकारी काम प्राइवेट तौर पे करते हैं। एक ये देखिए, ये शनि पर्वत से उठने वाली ये बहुत सारी रेखाएं, ये हैं शनि पर्वत पर उठने वाली रेखाएं, और ये अपने आप में एक अच्छा इंडिकेशन देती हैं। व्यक्ति जीवन पर्यंत वर्किंग, यानी जब तक कोशिश रहेगी तब तक ये व्यक्ति वर्क करेगा। ऐसे लोगों को मैंने 70 की एज तक भी वर्क करते देखा है। जीवन में 55वें वर्ष के बाद इनके पास धन संपत्ति संपदा की स्थिति ज़्यादा बेहतर होगी। बृहस्पति क्षेत्र की तरफ उठने वाली इस प्रकार की रेखाएं, साथ ही साथ इनको ये इस प्रकार की क्रॉस करती हुई रेखाएं, ज्ञान की रेखाएं, धन की रेखाएं, मकान की रेखाएं। जीवन में व्यक्ति अपने बेस पर मकान बना लेता है, साथ ही साथ व्यक्ति जीवन में कम से कम 2 से 3 प्रॉपर्टी का मालिक भी होता है। चलिए बात करते हैं अब आपकी मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा आयु रेखा से थोड़ा हटकर चली है, और मस्तिष्क रेखा का पूर्ण रूप से मिलन जाके चंद्र क्षेत्र तक हो गया। थोड़ा सा हटकर मस्तिष्क रेखा का चलना व्यक्ति के विचारों में मतभेदता देता है। साथ ही साथ ऐसे लोग किसी एक चीज़ के पीछे नहीं चलते कि दुनिया यदि उसी तरफ भग रही है तो मुझे भी उसी तरफ भगना है। ये लोग कुछ हटकर काम करने की शैली अपनाते हैं। साथ ही साथ चंद्र क्षेत्र तक गई हुई मस्तिष्क रेखा
इस बात को प्रदर्शित कर रही है कि व्यक्ति घर से दूर जाएगा, जन्म स्थान से दूर जाकर अपना काम करेगा, विदेश तक भी बहुत हद तक संभावनाएं अच्छी हैं। ये देखिए चंद्र क्षेत्र से निकलने वाली ये रेखाएं, और बाद में ये रेखा सूर्य क्षेत्र तक हुई है, चंद्र क्षेत्र का सूर्य क्षेत्र पर मिलन, साथ ही साथ रेखाओं का सूर्य क्षेत्र में जाके मिल जाना, घर से दूरी, विदेश यात्रा, विदेश में जाके काम करना, विदेश में जाके पैसा कमाना, ये सब इस हाथ के अंदर पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा है। बात करेंगे मंगल रेखाएं, मंगल रेखाएं जब हाथ में हो तो ये अच्छा इंडिकेशन होता है, व्यक्ति को समय समय पर हिम्मत प्रदान करती हैं। साथ ही साथ एक मंगल रेखा यहाँ से निकलकर पहुंच गई है बुध क्षेत्र पर, और एक रेखा मस्तिष्क रेखा निकल के बुध क्षेत्र पर। मंगल रेखा का संबंध बुध बुद्धि, मंगल साहस, यानी व्यक्ति अपने काम में मेहनत करते हुए ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा, साथ ही साथ जीवन में दूर की यात्रा, विदेश यात्रा, हवाई यात्रा जीवन में किसी न किसी तौर पे लगी रहेंगी, क्योंकि सारी की सारी इंडिकेशंस इसी तरफ निकलते यहाँ जा रहे हैं। ऐसे लोग अगर देखा जाए जीवन में, अगर नौकरी के क्षेत्र में मैंने ऐसे लोग ज़्यादा अच्छे काम करते यहाँ देखे हैं। साथ ही साथ अब मैं बात करूंगा आपकी भाग्य रेखा की। देखिए भाग्य रेखा चंद्र क्षेत्र से जब इतनी सारी रेखाओं का इन्वॉल्वमेंट, ये देखिए बिल्कुल भाग्य रेखा बिल्कुल जड़ से चली है, चंद्र क्षेत्र से भाग्य रेखा का उदय होना, इतनी सारी रेखाओं का उसको मिल जाना इंडिकेशंस देता है किसी दूर स्थान पे जाकर जीवन में परिवर्तन लाने का, दूर स्थान पर जाकर पैसा कमाने का, विदेश में जाकर रहने का, विदेश में जाकर काम करने का योग ये यहाँ दिखाई देता है। और साथ ही साथ 35वें वर्ष पे जाके देखें तो एक रेखा ने इसको यहाँ काट दिया है, तो 35वें वर्ष से हटकर चलिए फिर से एक रेखा, जिसका ये योग बनता है कि 35वें वर्ष में व्यक्ति के जीवन में एक अजीब सा परिवर्तन आएगा, जिसको मैं कह सकता हूँ काम को लेकर एक बड़ा परिवर्तन होना, काम को लेकर परिवर्तन होना, साथ ही साथ काम करते हुए दूर स्थानों से जाकर जुड़ जाना, यानी काम करने के लिए स्थान परिवर्तन करना, वैसा इनके 34 से 35 वर्ष में यहाँ साफ तौर पर दिखाई दिया। उसके बाद चल रही है ये भाग्य रेखा जो सीधे तौर पर अपने आप में बेहतर है, हल्के तौर पर यहाँ एक रेखा यहाँ काटती है, इसकी कोई बड़ी परेशानी नहीं है। साथ ही साथ एक भाग्य रेखा सपोर्टिव भाग्य रेखा है जिसको यहाँ राहु रेखा का संबंध भी मिला है, यानी कि अगर देखा जाए जीवन में लगभग लगभग अभी आपकी उम्र है 43, मैं समझता हूँ 42वें वर्ष 41वें वर्ष से लेकर और अभी आगामी लगभग 50-55 वर्ष तक मैं देखूँ तो लगातार सहयोगी भाग्य रेखा आपको मिली हुई है, यानी व्यक्ति किसी ना किसी मल्टीपल सोर्स से पैसे कमाने की स्थिति यहाँ रखता है, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार की ये रेखा एक प्रकार का एक अच्छा खासा बॉक्स भी बना रही है। इस प्रकार के बने वर्ग जीवन में अच्छे रिजल्ट देते हैं, व्यक्ति को अचानक से धन प्राप्ति, कभी लोग शेयर मार्केट में, कभी जुए सट्टे लॉटरी से अच्छा खासा धन यहाँ कमा लेते हैं। साथ ही साथ ये जितनी भी रेखाएं हैं ये एक सहयोगी और सपोर्टिव रेखाएं मैं यहाँ कहूँगा, जो कि एक अच्छा ऑप्शन है आपकी लाइफ में कि आप तरह तरीके से, अलग अलग तरीके से, नए नए संस्थानों से जुड़कर आप पैसा यहाँ कमा लेंगे। अब मैं बात करता हूँ आपकी हृदय रेखा। हृदय रेखा की बात मैं केतु क्षेत्र से मिलाकर भी करूंगा। ये देखिए हृदय रेखा शुरुआत में झाड़ू की तरह शुरू हुई है, इतनी सारी रेखाओं का होना और इतने सारे रेखाओं का उस पर कटान होना, ये क्या कहलाता है, मन में उथल पुथल लगातार, हस्बैंड वाइफ के बीच में वैचारिक मतभेद, वाइफ से डिस्प्यूट्स होना, वाणी के तौर पर जवाबदेही होना, दोनों के बीच में आर्गूमेंट्स हो रहे हैं, क्रोध का आना, चिड़चिड़ाहटपन रहना, मन में कहीं ना कहीं लगातार असंतुष्टि की भावना का ये कॉम्बिनेशन यहाँ साफ तौर पे दिखाई दे रहा है, जो कि एक हृदय रेखा ने दिखाया। हृदय रेखा आपके एक खराब हृदय रेखा, मैं इसको यहाँ कह सकता हूँ कि ये हृदय रेखा कोई अच्छी रेखा नहीं है। आप जीवन में लाइफ पार्टनर और साथ साथ अपने पार्टनर अगर किसी के साथ व्यवसाय करने लगे तो व्यवसाय बिल्कुल भी ना करें आप किसी के साथ पार्टनरशिप में, क्योंकि ये आपको नुकसान दे सकता है। हाथ के अंदर जो रेखाएं हैं ये बहुत हल्की हैं, यहाँ भी व्यवसायिक रेखाओं ने उठने की कोशिश की है लेकिन हल्की हैं। मैं तो आपको यही कहूँगा अगर आप, यदि आप नौकरी के क्षेत्र में हैं तो उससे बढ़िया आपको कोई क्षेत्र नहीं है, क्योंकि आपका बुध पर्वत भी फूला हुआ है और ये जो बुध की उंगली है भी छोटी है। मैंने ऐसे लोगों को अच्छा व्यवसायी होते नहीं देखा जीवन में, अगर ऐसे लोग व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय में अपना पैसा भी
डुबाते हैं, साथ ही साथ केतु क्षेत्र पर जब इस प्रकार का नक्षत्र जाल बने तो ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होता। साथ ही साथ चंद्र क्षेत्र से जितनी भी रेखाएं हैं सब केतु क्षेत्र की तरफ इशारा कर रही हैं। भविष्य में मानसिक तनाव की स्थिति रहेगी, मेंटली टेंशन, हाई बीपी की प्रॉब्लम रहेगी, क्रोध, चिड़चिड़ाहट, झुंझलाहटपन की स्थितियां यहां बनती दिखाई दे रही हैं। इन सबसे आप अपने आप को कंट्रोल करें, बचाएं। साथ ही साथ जितनी भी रेखा यहां से ही उठ रही हैं सब केतु क्षेत्र की तरफ इन्वॉल्वमेंट दे रही हैं। बात कर लेते हैं आपकी आयु रेखा की। ये देखिए आयु रेखा, आयु रेखा काफी सरल और स्पष्ट है और अंत तक जा भी रही है, यानी बहुत आराम से आयु के तो 74-75 वर्ष यहाँ साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं कि भी कोई इतनी बड़ी परेशानी नहीं है। बाकी और आगे भी ये रेखाएं बन जाती हैं। साथ ही साथ अंदर आ रही है ये एक सपोर्टिव रेखा, जिसको हम कह सकते हैं मंगल रेखा। मंगल रेखा जब इस प्रकार की सपोर्ट करे तो जीवन में जब जब बड़े परेशानियाँ, बड़ी दिक्कतें आपके जीवन में आएंगी, उनसे आपको ये रेखा निकाल कर ले जाएगी। लेकिन इस हाथ के बारे में बात करें तो जब जब इन उंगलियों पर ये कट के निशान, बुध पर्वत की उंगली पर कट के निशान और बुध पर्वत का छोटा होना, कभी कभी ऐसे लोग जीवन में पैसा अच्छा खासा कमा लेते हैं लेकिन अपने एक निर्णय, एक गलती के कारण बहुत कुछ इनको हानि का सामना भी करना पड़ता है। वैवाहिक तौर पर और मानसिक तौर पर ये हाथ की रेखाएं कोई ज्यादा अच्छी नहीं दिखाई दी है। चलिए अब आपकी बात करते हैं कुंडली के बारे में, कि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थितियां क्या कह रही हैं। ये देखिए आपकी तुला लग्न की कुंडली है, और तुला लग्न की कुंडली के साथ साथ अगर देखा जाए लग्न में चंद्र राहु का कॉम्बिनेशन है, जैसा आपने यहां लिखा भी है, क्रोध कब कब होगा आपके हाथ में भी दिखाई दिया। हृदय रेखा, केतु स्थान, मस्तिष्क रेखा, साथ ही साथ चंद्रमा का राहु केतु एक्सेस पे होना, ये गलत है। जब चंद्रमा और राहु इतने क्लोज हों तो अधिकतर देखा गया है व्यक्ति पूर्णमासी के दिन पैदा हुआ और ग्रहण दोष में पैदा हुआ बच्चा है, जो कि मानसिकता के लिए एक अच्छा योग नहीं है। कर्म स्थान पर दो ग्रह बैठे हैं, एक नीच का मंगल है और एक शनि है। ये धन के हिसाब से तो बहुत अच्छा है लेकिन जब कर्म स्थान पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव होता है तो व्यक्ति के कर्म के अंदर किसी न किसी तौर पे लेके परेशानियां बार 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 आती हैं। सप्तम भाव राहु केतु अक्ष पर है, साथ ही साथ शुक्र भी प्रभावित है। शुक्र केतु बहुत क्लोज डिग्री पे हैं, 18 डिग्री का शुक्र, 19 डिग्री का केतु, साथ में सूर्य के अभाव से अस्त और शनि से दृष्ट। जो चीज हृदय रेखा आपकी मुझे हाथ में दिखाई दी थी वही यहाँ मुझको वैवाहिक जीवन में लग्न कुंडली ने भी इस प्रकार की स्पष्टता दी है। नवांश कुंडली में भी देखें तो यहाँ भी शुक्र नीच का होके राहु केतु अक्ष पे पड़ा हुआ है और यहाँ भी मंगल शनि दो अशुभ ग्रह सप्तम भाव में बैठे हैं। तो हॉरोस्कोप वैवाहिक जीवन के हिसाब से संतुष्टिजनक नहीं लगी, हाथ भी नहीं लगा। चलिए अब आपके सवाल भी मैं कुछ जहाँ जरूर लूंगा कि आप कह रहे कि इंडिया वापस कब आना होगा। देखिए अभी चल रही है आपको शनि की महादशा में मंगल की अंतरदशा, उसके बाद आएगी आपको शनि में राहु। ये सब चीज़ डिपेंड करती हैं आपके प्रोफेशन पे। शनि यहाँ द्वादशेश हैं, दूसरे घर पे बैठे हैं, मंगल के साथ बैठे हैं, राहु भी साथ में है और बुध भी साथ में है। अब इतनी सारी चीज़ जो कि कुंडली के धन भाव यानी कर्म कुंडली के धन भाव पर हैं और शनि की दशा चल रही है आपको जून 25 तक, उसके बाद आएगी बुध की महादशा। बुध का भी धन से संबंध बन रहा है लेकिन यहाँ पर बुध सप्तमेश है। लग्न कुंडली में देखें तो बुध अष्टम भाव में द्वादशेश होकर है। मुझको इतना नहीं लगता है कि आप इंडिया आकर सेटल हो जाएंगे। बीच में थोड़े समय के लिए आप इंडिया आ गए तो बात अलग है, अदरवाइज मुझे ऐसे व्यक्ति विशेष का जीवन विदेश में ज़्यादा सेटल दिखता है। विदेश में जाना, विदेश में जाके काम करना, इस प्रकार की स्थिति मुझको ज्यादा लगती है। ऐसे लोग घर से जितना ज्यादा दूर रहेंगे उतना ज्यादा जीवन में हाँ तरक्की करेंगे। कब तक काम करूंगा वो मैंने आपके शनि पर्वत से देखकर भी बताया और अभी आपकी दशा, मेरे हिसाब से ऐसे लोग 70 वर्ष तक काम करते ही रहते हैं। 60 के बाद एज और हेल्थ, हाँ जी हेल्थ के हिसाब से मैं ये कहूंगा मानसिक तनाव, मानसिक परेशानियां, चिड़चिड़ाहट, झुंझुलाहट, अब यही चीज आगे जाके जब कन्वर्ट हो जाएंगी तो ये आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होना, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ इस प्रकार की स्थिति देती रहेंगी। चंद्र राहु का योग और सूर्य केतु का योग,
ये भी है। अब मैं आपको इसमें उपाय जरूर बताऊंगा एक बाद में। अभी थोड़ा सा आपने एक सवाल और पूछा है संतान से संबंध, देखिए उसके लिए आपका सप्तांश चार्ट। यहाँ लगन में उच्च का मंगल है, शनि का लगन है, शनि दूसरे घर में। इसका मतलब ये साफ तौर पर स्पष्ट हो गया है कि व्यक्ति के जीवन में जो संतान उसकी होगी वो जीवन में एक अच्छी तरक्की करेगी। बात करते हैं उनसे साथ संबंध कैसे रहेंगे। संबंधों में प्रॉब्लम की स्थिति दिखती है, वैचारिक मतभेदता दिखती है। मैंने आपकी कुंडली के अंदर एक चीज पर बार बार फोकस किया है, वो है शुक्र। यहाँ शुक्र केतु के साथ, यहाँ भी शुक्र केतु के साथ छठ अष्टम भाव में, संतान के चार्ट में भी शुक्र केतु के साथ अष्टम भाव में और दशमांश में भी शुक्र केतु है। जब जब बार 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 शुक्र के ऊपर इतनी पीड़ा होती है तो ये मैरिज के लिए तो प्रॉब्लम है ही है। साथ ही साथ शुक्र को अगर हम काल पुरुष की कुंडली यानी मेष लगन की कुंडली के हिसाब से गणना करते हैं तो शुक्र को कुटुंब कारक ग्रह भी कहा गया है। ऐसे लोगों को कुटुंब का पूर्ण सुख नहीं मिलता। साथ ही साथ जीवन में घर के सुख में कमी होती है, घर के लोगों के बीच में कमी होती है। भले ही व्यक्ति का रुझान घर की तरफ हो लेकिन किसी न किसी कारण से, चाहे उसके स्वभाव से, उनकी आदतों की वजह से, घर वाले उससे रुष्ट रहते हैं। पूर्ण रूप से वो उनको सुख शांति नहीं दे पाता। तो संतान के बारे में बता दिया, आफ्टर 60 एज और हेल्थ भी बता दी। अब मैं बात कर लूँ, देखियो शनि की महादशा बहुत लंबी है, अभी चल रहा है शनि में मंगल। प्रोफेशन के चार्ट में शनि मंगल सेकंड हाउस में, राहु भी वहीं है, उसके बाद राहु आने वाला है नवंबर 22 तक चलेगा जून है। आप अपनी वाणी पे कंट्रोल रखो। अगर आपको आगामी समय में अपने काम धंधे को ठीक चलाना है, पैसे की लॉस नहीं झेलना है, तो अपनी वाणी पर संयम रखो, क्योंकि ये है आपकी कर्म की वाणी। जब उस पर ऐसे ग्रहों का प्रभाव होता है तो व्यक्ति ऐसी वाणी का प्रयोग भी कर देता है जो दूसरों को बुरी लगे, जिसके कारण उसको नुकसान हो जाए। मैंने ऐसे लोगों को सिर्फ और सिर्फ स्वभाव के कारण जीवन में डाउनफॉल में जाते देखा है। क्रोध आया, रिजाइन दे दिया, क्रोध आया, झगड़ा हो गया बॉस के साथ, क्रोध आया, पार्टी से अनबन हो गई और उनको जीवन में समस्या आ गई। तो उस चीज पर कंट्रोल करो। जैसे ही आपका मौका लगे, आपको कोई सुयोग्य पंडित दिखाई दे तो उनको बोलो कि मुझे ग्रहण दोष की एक पूजा करानी है। तो सबसे पहले तो आप कराओ ग्रहण दोष की एक पूजा, ठीक है। उसके बाद रोजाना के नियम में आप हनुमान जी की पूजा करनी शुरू करो, जैसे हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करो। दूसरा उपाय, सॉरी तीसरा, एक ग्रहण दोष की पूजा, दूसरा हनुमान चालीसा का पाठ, तीसरा भगवान शिव का रुद्राष्टकम का पाठ आपको नित्य प्रतिदिन करना है। और स्टोन के बारे में बात करूं, शुक्र आपका है बहुत कमजोर, लगभग एक नहीं सभी वर्गों में। यहाँ पर आप एक अच्छा सा फायर ओपल हमसे प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको उसकी रिंग बनवाकर पूजा पाठ करके आपको भेज देंगे। आप उस ओपल को धारण कीजिए, यह आपके वैवाहिक, प्रोफेशन, मानसिक तनाव सभी चीज में आपको यहाँ हेल्प करेगा। तो एक अच्छा सा फायर ओपल यहाँ आपको धारण करना है। जितनी भी पूजा पाठ मैंने आपको बताई है वो आप जीवन में जरूर डालिए। जो सावधानियां मैंने बताई हैं उसके बारे में भी यहाँ ध्यान रखिएगा। जितना ज़्यादा आप शांत रहने की कोशिश करेंगे उतना बढ़िया होगा। भगवान शिव की शरण में जाइए, रुद्राष्टकम चाहे सुबह शाम भी करिए तो भी आपके लिए बहुत बढ़िया है। आशा करता हूँ मैं आपके सभी सवालों के जवाब मैंने यहाँ दे दिए होंगे। नमस्कार।